एक हिंदू लड़की का बचपन कब खत्म होता है और कब उसकी शादीशुदा जिंदगी शुरू। मराठवाड़ा की शेरनी अगले जन्म में अपने पति के चरणों के पास स्थान पाएगी। अगले जन्म च भी इक्वालिटी नहीं नसीब होनी सानू। लोन फीमेल वॉइस स्मृति के चैप्टर 5:160। ये नोशन ऑफ विडोज बीइंग पोल्यूटिंग सती एक वैदिक सैंक्शन प्रैक्टिस नहीं है। हर मर्द को अपने घर की एक महिला को भी साथ लाना जरूरी है। अपने पति की मौत का दोषी भी यही उन्होंने क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म भी कबूल किया। हालांकि सती सबसे शर्मनाक रिचुअल है, औरत की पढ़ाई में बाधा डालने मर्द जरूर आएंगे। आर विमेन विल हैव टू सबमिट टू मेल कंट्रोल फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। वाह भाई, रोमैनिकल पेट्रियार्की के खिलाफ भारतीय समाज का काला सच। की बीवी महज 9 साल की थी और अनंत 44 के। मर्द कैन मैरी अगेन एंड अगेन। ना तो उन्होंने अपना सर मुंडवाया, ना तो वो लोगों से अलग विधवा महिलाओं के आश्रम में रहती थी। अधिकांश मर्द भी विडोज से शादी करने में हिचकिचाएंगे कि विडोज को किसी और आदमी का नाम लेना भी पाप है। ये मकसद था कि वो किसी और मर्द को अट्रैक्टिव ना लगे। ऐसी औरतें पूरे भारत में इस समय ना के बराबर ही होंगी। बे इंतहा अपकास्ट मेल डोमिनेट। वो तो घर के चार दीवारी में ही रहती थी। हेलो हेलो और नमस्कार, आपका स्वागत है आयशा रोहन इतिहास में। मैं हूँ डॉक्टर रुचिका शर्मा। मैं पेशे से एक इतिहासकार हूँ और इतिहास की टीचर भी हूँ। मेरे कुछ और भी क्रेडेंशियल्स हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के एपिसोड से जुड़ी सारी सोर्सेज की लिस्ट भी मौजूद है, अगर आप अपनी जिज्ञासावश पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए। आज का एपिसोड हमारी हिस्टोरिकल हीरोइन सीरीज की दूसरी इकाई है। अगर आपने इसकी पहली इकाई यानी पहला एपिसोड नहीं देखा तो मैं इसे यहाँ लिंक कर दूंगी, आप देख सकते हैं। हिस्टोरिकल हीरोइंस की सीरीज उन हिस्टोरिकल हीरोइंस को ऑनर करती है जिन्होंने भारत के इतिहास में औरतों के लिए आज़ादी के मायने ही बदल दिए। 15 अगस्त तक मैं हर हफ्ते एक एपिसोड एक हिस्टोरिकल हीरोइन पर लेकर आऊँगी, ऐसा मैंने लास्ट एपिसोड में प्रॉमिस किया था। तो आज मैं दूसरे एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। चले फिर, आपने स्कूल में राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में तो पढ़ा ही होगा। कैसे उन्होंने सती के खिलाफ आवाज उठाई, विडो रीमैरिज के हक में बोला। पर जरा सोचिए, ये 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जिसे इंडियन रेनेसा भी कहा जाता है में औरतों के मुद्दों पर बात करने वाली कितनी औरतें थी? आया किसी का भी नाम दिमाग में? नहीं, क्योंकि ये मूवमेंट बे इंतहा अपकास्ट मेल डोमिनेटेड थी। औरतों के मुद्दों पर सिर्फ मेल पर्सपेक्टिव्स थे जिन्हें वाकई में सती जैसे टेरिबल इंस्टीट्यूशन को झेलना पड़ता था, जिन्हें विधवा होकर समाज के अपशब्द सुनने पड़ते थे। वो तो घर के चार दीवारी में ही रहती थी, अपनी मदरली और वाइफली ड्यूटीज के इनफाइनाइट बोझ के तले चुपचाप से। इसी चुप्पी को तोड़ा हमारी आज की हिस्टोरिकल हीरोइन ने, लोन फीमेल वॉइस बनकर, जिसने अपकास्ट विमेन की फ्रीडम के लिए तगड़ी लड़ाई लड़ी रोमैनिकल पेट्रियार्की के खिलाफ, जिसने सती को एक जघन्य अपराध बताया, विधवा औरतों को प्रताड़ना से बचाकर नया जीवन जीना सिखाया, उनकी एजुकेशन, उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए आवाज उठाई। उनके लेक्चर कहते हैं इतने अमेजिंग होते थे कि कई मर्द उन्हें सुनने आते थे, पर उनका रूल था कि हर मर्द को अपने घर की एक महिला को भी साथ लाना जरूरी है ताकि औरतों को भी शिक्षा मिल सके। कैसर ए हिंद यानी सीजर एम्परर ऑफ इंडिया से नवाजी गई मराठवाड़ा की शेरनी पंडिता रमाबाई। रमाबाई डोंगरे तुंगभद्रा नदी के जन्मस्थान गंगमूल कर्नाटका में अप्रैल 1858 में पैदा हुई। रमाबाई के पिता अनंत डोंगरे एक चित्पावन ब्राह्मण थे, लेकिन रमाबाई के माता पिता की शादी के पीछे छुपा था भारतीय समाज का काला सच। अनंत डोंगरे और उनकी बीवी लक्ष्मीबाई के बीच 35 साल का फर्क था। जब अनंत डोंगरे की शादी हुई तब उनकी बीवी महज 9 साल की थी और अनंत 44 के। ये अनंत की दूसरी बीवी भी थी। अनंत की पहली शादी छोटी उम्र में हुई थी, लेकिन शादी से नाखुश वो अपने घर से भाग गए अपनी बीवी को अकेला छोड़कर। उनकी पहली बीवी ने अपना अधिकांश जीवन अपने माता पिता के घर से दूर अकेले ही बिताया, क्योंकि औरतों को यूं ही घर से भागने की आजादी थोड़ी ना थी। अनंत को थी,
उन्होंने अपने घर से दूर ना केवल पेशवा बाजीराव द्वितीय के गुरु से शिक्षा पाकर शास्त्री का टाइटल हासिल किया, बल्कि इस शिक्षा से नौकरी भी पाई मैसूर के वुडियार राजा के यहाँ। और जब वो घर लौटे तो उन्हें शर्म नहीं बल्कि शाबाशी मिली। हालांकि अनंत ने घर लौटने के बाद कुछ ऐसा किया जो अधिकांश ब्राह्मण मर्द नहीं करते थे। उन्होंने अपनी पहली बीवी को संस्कृत सिखाने का प्रयास किया, लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग ने इससे सख्त मनाही की। इस समय यानी 19 सेंचुरी में और उससे पहले भी औरत की यह मॉरल ड्यूटी मानी जाती थी कि अगर उसका पति उसे पढ़ाने की कोशिश करे भी तो उसे उसका विरोध करना चाहिए, नहीं तो यह औरत की मर्यादा का उल्लंघन होगा। लेकिन अपनी बीवी को संस्कृत सिखाने की इच्छा अनंत को आई कहां से? जब वो पुणे में पेशवा बाजीराव द्वितीय की गुरु से एजुकेशन ले रहे थे, तब उनका कई बार पेशवा के महल में आना जाना हुआ, जहां उन्होंने एक बार पेशवा की बीवी को संस्कृत में श्लोक गाते सुना। यह अपने आप में उस समय काफी रेवोल्यूशनरी रहा होगा, क्योंकि औरतों के लिए शिक्षा, चाहे फिर वो किसी भी तरीके की पढ़ाई क्यों ना हो, मना थी। और पेशवा बाजीराव द्वितीय की इस पहल का एक बढ़िया इम्पैक्ट पड़ा अनंत शास्त्री डोंगरे पे, जिन्होंने पेशवा की तरह ही अपनी पहली बीवी को पढ़ाने की कोशिश की। उनकी यही पहल आगे चल के उनकी बेटी रमाबाई के रूप में एक और भी बड़ा रेवोल्यूशन लाएगी अपर कास्ट हिंदू औरतों के लिए। लेकिन बदलाव लाना काफ़ी मुश्किल होता है, और अनंत की पहली बीवी को वो शिक्षा ना मिल पाई जो वो उन्हें देना चाहते थे, और वो यूं ही चल बसी। क्योंकि अपर कास्ट मर्दों के दोबारा शादी करने पर कोई रोक टोक नहीं थी, अनंत की दोबारा शादी हो गई एक 9 साल की बच्ची से। इस बारे में बाद में जब रमाबाई ने अपनी किताब हाई कास्ट हिंदू विमेन में लिखा तो यूं लिखा, इट इज नॉट ईजी टू डिटरमिन व्हेन द चाइल्डहुड ऑफ अ हिंदू गर्ल एंड्स एंड द मैरिड लाइफ बिगिंस। यानी ये बता पाना मुश्किल है कि एक हिंदू लड़की का बचपन कब खत्म होता है और कब उसकी शादीशुदा जिंदगी शुरू। अपने नाना यानी अपनी माता लक्ष्मीबाई के पिताजी को रमाबाई केयरलेस बताती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी 9 साल की बेटी की शादी एक 44 साल के मर्द से कर दी, जिसे वो गुजरात के घाट पर कुछ ही देर पहले मिले थे। ऐसी शादियां उस समय भारत में काफी आम थी। मनुस्मृति के चैप्टर 17 वर्स 94 में ऐसी शादी को मान्यता भी है जहां लड़की की एज 8 साल भी हो सकती है। ये वर्स मैंने डिटेल में एक पहले बनाए गए वीडियो में भी डिस्कस किया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं यहां लिंक कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अपनी दूसरी शादी में अनंत ने लेकिन वही प्रयास किए जो अपनी पहली शादी में किए थे, अपनी बीवी को संस्कृत सिखाने के। यहां उन्हें फिर से लोगों की मुखालफत का सामना करना पड़ा, पर वो डटे रहे। हालांकि उन्हें अपना गांव छोड़कर जाना पड़ा। अपनी बीवी के साथ वो गंगमूल आए, जहां उन्होंने एक आश्रम बनाया ब्राह्मण लड़कों की एजुकेशन के लिए, और यही जन्म हुआ रमाबाई का, जो कि 6 बच्चों में से एक थी। लेकिन इन 6 में से भी सिर्फ 3 ही बचे। याद रखिए, ये वो समय था जब मेडिकल साइंस बस डेवलप होना शुरू ही हुई थी। पति, पिता, भाई और समाज की प्रताड़ना सहने के साथ साथ औरतों को लैक ऑफ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज की बीमार झेलनी पड़ती थी, और मिसकैरेजेस या स्टिल बॉर्न बर्थ्स काफी आम बात थी। आश्रम में कुछ साल बिताने के बाद अपने 3 बच्चे और अपनी बीवी को लेकर अनंत शास्त्री एक लंबे तीरथ पर निकल गए, जिसका बाद में रमाबाई ने अपनी किताब स्त्री धर्म नीति में भी काफी कड़े शब्दों में विरोध किया, क्योंकि इस तीरथ पे किए गए रीति रिवाजों में उनके पिता और भाई श्रीनिवास ने अपनी सारी जमा पूंजी गवा दी। वो कहते हैं कि उनके भाई के पास 4,000 रुपए थे, जो उन्होंने अपनी पढ़ाई में लगाने की जगह ब्राह्मणों को दान देने में, यज्ञ हवन वगैरह कराने में गवा दिए। इसके साथ साथ 21 दिन के व्रत रख रख कर अपनी फिजिकल वेल्थ यानी अपनी शारीरिक संपत्ति भी गवा दी। इससे पता चलता है कि रमाबाई इलैबोरेट रिचुअल्स, राइट्स और फास्ट्स वगैरह के सख्त खिलाफ थी। इसी वजह से रमाबाई का बचपन काफी पावर्टी में भी गुजरा, जहां उन्हें और उनके भाई को छोटी सी उम्र में ही एक पौराणिक के तौर पे काम करना पड़ा। पौराणिक वो होते थे जिन्होंने संस्कृत रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ा और समझा हो, और फिर वो लोगों को ये सब लोकल लैंग्वेज में सुना और समझा सके।
ये सब सिखाया पढ़ाया रमाबाई को उनकी माताजी लक्ष्मीबाई ने, जो कि ये सब अपने पति से पहले ही सीख चुकी थी। टू हिज क्रेडिट, अनंत शास्त्री ने रमाबाई की शादी भी छोटी उम्र में नहीं करवाई। शायद इसीलिए क्योंकि उनकी बड़ी बेटी कृष्णबाई का उन्होंने बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज ही की थी। लेकिन जैसे अनंत शास्त्री अपनी पहली शादी से कुछ दिनों बाद ही भाग गए थे, कृष्णबाई का पति भी भाग गया। अनंत शास्त्री ने फिर कृष्णबाई को अपने पास ही रखा और चाइल्ड मैरिज की गलती दोबारा अपनी दूसरी बेटी रमाबाई के साथ नहीं की। 1876 में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक भयंकर फरमाइन आया जिसने कम से कम 8 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यह फरमाइन अंग्रेजों की हाई टैक्सेशन की वजह से आया था और 1878 तक रहा। रिलीफ मेजर्स ना मिलने से यह और भी जानलेवा हो गया। इस समय रमाबाई 18 साल की ही थी और देखते ही देखते इस फरमाइन ने उनके पिताजी, उनकी माताजी और उनकी बहन जो कॉलेरा से ग्रसित थी, तीनों की जान ले ली। अनाथ होकर अपने भाई के साथ पौराणिक का काम करते करते 1878 में रमाबाई कलकत्ता पहुंची। यहां उनकी उम्र केवल 20 साल ही थी। बंगाल में इस समय सोशल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट अपने चरम पे थी। राजा राम मोहन रॉय सती के खिलाफ और ईश्वर चंद्र विद्यासागर विडो रीमैरिज के लिए मुहिम चला रहे थे। रमाबाई की एजुकेशन को यहां पॉपुलर होने में कम ही वक्त लगा क्योंकि वो 20 साल की कुंवारी महिला थी जिसे संस्कृत आती थी। ऐसी औरतें पूरे भारत में इस समय ना के बराबर ही होंगी। रमाबाई को यहां फिर टेस्ट किया गया एक छोटे 3 मेंबर ऑल मेल पैनल यानी मैनल के द्वारा, जिसके मेंबर्स थे प्रोफेसर टॉनी, प्रोफेसर गाओ एंड पंडित महेश चंद्र नारायण रत्न। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा के सेनेट हाउस में ये टेस्ट हुआ जिसमें रमाबाई ने इस मैनल को इतना इंप्रेस कर दिया कि उनका टाइटल रखा गया पंडिता यानी वुमन स्कॉलर, और सरस्वती जो कि पौराणिक देवी हैं जो ज्ञान और विजडम से एसोसिएटेड हैं। कलकत्ता में पंडिता रमाबाई को ब्रह्मो समाज का हिस्सा बनाया गया, खासकर की महिलाओं की एजुकेशन के लिए, जिसका प्रचार रमाबाई ने खूब किया, ना केवल पब्लिक लेक्चर्स में बल्कि औरतों को उनके घर में प्राइवेट लेक्चर्स में भी। ये वो दौर था जहां अपर कास्ट औरतों को घर की 4 दीवारी में ही रखा जाता था, तो पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज जाने का तो सवाल उठता ही नहीं। लेकिन क्योंकि अब बंगाल प्रेसिडेंसी में औरतों की एजुकेशन को बढ़ावा मिल रहा था, उनको प्राइवेट ट्यूटर्स, खासकर की रमाबाई जैसी रेयर फीमेल प्राइवेट ट्यूटर से पढ़ने का मौका मिल जाता था। रमाबाई की इस पहल से ना केवल बाकी कई औरतों को एजुकेशन और इंस्पिरेशन मिली, बल्कि रमाबाई खुद भी दुनिया भर में फीमेल चैंपियन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन से मशहूर होने लगी। 1880 में रमाबाई के परिवार का एक लौता सदस्य उनके भाई श्रीनिवास भी चल बसे। लेकिन रमाबाई अकेली नहीं थी इस दुख में, उनके साथ उनके दोस्त जिनसे उनकी ब्रह्मो समाज में ही मुलाकात हुई थी भी शामिल थे। बापू बिपिन बिहारी दास मेधावी एक बंगाली लॉयर थे और रमाबाई हमें बताती हैं कि वो शूद्र वर्ण को बिलोंग करते थे। रमाबाई ने 1 महीने बाद ही मेधावी से शादी कर ली एक प्रतिलोमा मैरिज में, यानी जहां औरत अपर कास्ट हो लेकिन मर्द लो कास्ट, जो कि उस समय काफी शर्मनाक मानी जाती थी। इसीलिए इस शादी को सॉल्मनाइज करने के लिए कोई पंडित तैयार ना हुआ और उनकी शादी कोर्ट रजिस्टर्ड थी सिविल मैरिज एक्ट के तहत। इस शादी से गुस्साए मेधावी के परिवार ने मैरिड कपल को नहीं अपनाया और मेधावी को अपने परिवार को छोड़ना पड़ा। 2 साल के मैरिटल ब्लिस के बाद मेधावी को कॉलेरा ने जकड़ लिया और उनकी भी मौत हो गई। कॉलेरा अपने आप में इंडिया में 1920th सेंचुरी का वन ऑफ द वर्स्ट किलर्स था और इसका भी अधिकांश ब्लेम अंग्रेजों को ही जाता है, जो इंडियंस की सैनिटेशन और हाइजीन नीड्स में हार्डली इन्वेस्ट किया करते थे। विडोड रमाबाई अब अपनी 1 साल की बेटी मनोरमा को लेकर पुणे चली गई, जहां उनके सोशल रिफॉर्मिस्ट फ्रेंड्स जैसे कि रमाबाई रानाडे जो महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी थी, और काशीबाई कानितकर जो मराठी में लिखने वाली पहली महिलाओं में से एक थी, इन दोनों ने रमाबाई का स्वागत किया और उनको अपने घर में रहने की जगह दी।
यहाँ काशीबाई हमें बतलाती हैं कि वैसे तो उन्हें रमाबाई को रखने में कोई दिक्कत नहीं थी, मगर रमाबाई बाकी विडोज की तरह बिहेव नहीं करती थी। ना तो उन्होंने अपना सर मुंडवाया, ना तो वो लोगों से अलग विधवा महिलाओं के आश्रम में रहती थी, और ना ही उन्होंने सती की और ना ही उन्होंने नीरस जीवन जिया। ये सब एक ब्राह्मण विडो को करना जरूरी था। रामाबाई रानाडे, जिनके घर भी पंडिता रामाबाई कुछ दिन रहीं, बतलाती हैं कि रामाबाई को, यानी पंडिता रामाबाई को, महाराष्ट्र में वन हु हैज फेल्ड हर डोमेस्टिक लाइफ, यानी वो जिसने अपनी गृहस्थ जीवन को सफल ना किया हो और जो अब बाकियों को भी पल्यूट करने आई है, ऐसा कहा जाता था। ये नोशन ऑफ विडोज बीइंग पल्यूटिंग काफी कॉमन और बेहद कास्टिस था। इसका प्रमाण काशीबाई भी देती हैं, जहां वो पंडिता रामाबाई को अपने नॉन ब्राह्मण दोस्तों के साथ मिलने जुलने के लिए जज भी करती हैं। उनके मुताबिक रामाबाई का अपने दोस्तों के साथ खाना शेयर करना उनके कास्ट बिलीव्स के खिलाफ था। 5 साल बाद जब रामाबाई ने अपनी सबसे पावरफुल किताब हाई कास्ट हिंदू वुमेन लिखी, तब उसमें विडोहुड के चैप्टर में उन्होंने विधवाओं के लिए बनाई रीतियों पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने विडोहुड को वर्स्ट एंड मोस्ट ड्रेडेड पीरियड ऑफ अ हाई कास्ट वुमेन्स लाइफ बताया, खास करके इसीलिए क्योंकि अपने पति की मौत का दोषी भी औरतों को ही ठहराया जाता था। रमाबाई यहां मनुस्मृति का जिक्र भी करती हैं, जहां चैप्टर 5 वर्स 157 में लिखा है कि विडोज को किसी और आदमी का नाम लेना भी पाप है, उसे खाने में सिर्फ फूल और फल ही खाने चाहिए। रमाबाई कहती हैं कि इसी चैप्टर के वर्स 162 में लिखा है कि पवित्र औरत के लिए दूसरा पति जायज नहीं है, और वर्स 160 और 166 कहते हैं कि ऐसा करने पर पवित्र औरत अगले जन्म में अपने पति के चरणों के पास स्थान पाएगी। अगले जन्म च भी इक्वालिटी नहीं नसीब होनी सन। इन वर्सेस को फिर रमाबाई ने उन वर्सेस के साथ कॉन्ट्रास्ट किया जो ये बतलाते हैं कि अगर किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाए तो उस मर्द को क्या करना चाहिए। मनुस्मृति के चैप्टर 5 वर्स 167-169 में लिखा है कि पत्नी के मरने के बाद उसको जलाकर मर्द कैन मैरी अगेन एंड अगेन और अपनी जिंदगी का सेकंड चैप्टर शुरू कर सकता है। यहीं पे रमाबाई सती का भी जिक्र करती हैं। वो कहती हैं कि सती एक वैदिक सैंक्शन प्रैक्टिस नहीं है और ये एक टेरिबल कस्टम है जिसको बढ़ावा मिलता है। वो बताती हैं कि जो औरतें सती होने के लिए रेडी भी हो जाती थी, वो चिता की आग को देखकर अपना मन बदल लेती थी, लेकिन अगर वो भागने की कोशिश करती थी तो पंडित और उस लड़की का परिवार उसे वहां से जाने ही नहीं देता था। ये रिचुअल और भी जघन्य बन जाता है रमाबाई के लिए जब वहां मौजूद बाकी औरतें जो शादीशुदा होती हैं सती होती हुई लड़की के ऊपर घी तेल वगैरह डालती हैं। पेट्रियार्की की सबसे बड़ी जीत, गेटिंग वुमेन टू ओप्रेस अदर वुमेन। खैर, रमाबाई ये भी लिखती हैं कि हालांकि राम मोहन रॉय के एफर्ट से सती को 1829 में अंग्रेजी सरकार ने बैन कर दिया, पर उसका कोई असर लोगों पर ना हुआ। रमाबाई को ये क्लैरिटी थी कि हालांकि सती सबसे शर्मनाक रिचुअल है, लेकिन उसके खत्म हो जाने से विधवा औरतों की स्थिति नहीं बदलेगी, क्योंकि अगर वो सती नहीं भी होती तब भी विधवा औरत की हिंदू समाज में हालत काफी खराब थी। 14 से 15 साल की लड़कियां विधवा होने के बाद सिर मुंडवाती थी, सफेद कपड़े पहनती थी, उन्हें हर जगह अपशब्द कहे जाते थे और उन्हें अशुभ माना जाता था। रामाबाई के मुताबिक विधवा औरतों को सर मुंडवाकर सफेद कपड़े पहनाने के पीछे ये मकसद था कि वो किसी और मर्द को अट्रैक्टिव ना लगे, उनकी सेक्सुअलिटी को अच्छे से गार्ड कर सका जाए। इसीलिए रमाबाई विडो रीमैरिज के फेवर में थी, पर उन्होंने यह भी लिखा कि सिर्फ लॉ बनाने से कुछ नहीं होगा। विडोज की ऑपरेशन सदियों से चली आ रही है और लॉ अकेले ही सोसाइटी को चेंज नहीं करेगा। अधिकांश मर्द भी विडोज से शादी करने में हिचकिचाएंगे। वो कितने ऐसे एजुकेटेड मेन को जानती थी जिन्होंने ये प्रण लिया था कि अगर वो विडोअर हो जाएंगे, यानी उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी, तो वो किसी विडो से ही शादी करेंगे।
लेकिन जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई तब उन्होंने अपनी दूसरी शादी भी एक कुंवारी लड़की से करी। इसी के चलते 1882 में पुणे में रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की, जिसका मकसद था औरतों को बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज और विडोज की इनह्यूमेन ट्रीटमेंट से बचाना। इसके साथ साथ औरतों को एजुकेट करना और उनके हक के लिए लड़ना भी आर्य महिला समाज का मोटिव था। यहां रमाबाई के लेक्चर्स के लिए काफी लोग आते थे, लेकिन रूल ये था कि आपको अपने साथ अपने घर की एक महिला को भी लाना होगा। रमाबाई की आशा थी कि इसी बहाने औरतों को एजुकेशन मिल सकेगी। आर्य महिला समाज में कोई कास्ट बैरियर भी नहीं था और सब तबके की महिलाओं के मुद्दे रखे जाते थे। रमाबाई के एफर्ट्स ज्यादातर लोगों को सराहनीय लगते थे, पर कुछ लोग उनके खिलाफ भी थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक और उनके सपोर्टर्स, जिन्होंने अपने न्यूज़पेपर केसरी में लिखा कि औरतों के मुद्दे सिर्फ मर्द ही उठा सकते हैं, औरतें नहीं, और कहा आर विमेन विल हैव टू सबमिट टू मेल कंट्रोल फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। वाह भाई, एक तरफ जहां रमाबाई के खिलाफ मोर्चे निकाले जा रहे थे, रमाबाई दूसरी तरफ अपनी पहली किताब छपवा रही थी स्त्री धर्म नीति, जहां वो औरतों की एजुकेशन को एक इंडिस्ट्रक्टिबल वेल्थ बताती हैं और लड़कियों को अपनी शादी के लिए अपने पसंद का पति चूज करने को कहती हैं। ये आखिरी बात शायद आपको छोटी लगे आज के जमाने में, पर आज भी कई ऐसी औरतें हैं भारत में जिनको उनके माता पिता द्वारा चुने हुए लड़के से ही शादी करने के लिए फोर्स किया जाता है। लेकिन इस किताब में यानी स्त्री धर्म नीति में वो इतनी बेबाकी से नहीं अपनी बात रखती जितनी उन्होंने 5 साल बाद हाई कास्ट हिंदू विमेन में रखी थी। रमाबाई की वुमेन्स एजुकेशन के लिए जील देखकर हंटर कमीशन ने 1882 में रमाबाई को वुमेन्स एजुकेशन पर सुझाव देने को बुलाया। हंटर कमीशन अंग्रेजी एजुकेशन के सिलसिले में बना था और इस पर विचार कर रहा था कि सब तक एजुकेशन कैसे पहुंचाई जाए। रमाबाई ने सुझाव दिया कि विमेन के लिए ज्यादातर करिकुलम सेक्युलर होना चाहिए और गर्ल्स स्कूल में फीमेल टीचर्स एंड फीमेल इंस्पेक्टर्स भी होनी चाहिए, क्योंकि विमेन बीइंग वन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री आर ऑप्रेस्ड एंड क्रूअली ट्रीटेड बाय द अदर हाफ। ये पहली रिकॉर्डेड टेस्टिमनी थी एक औरत की जिसने ये बेबाकी से कहा था कि औरत की पढ़ाई में बाधा डालने मर्द जरूर आएंगे, इसीलिए फीमेल इंस्पेक्टर्स रखवाएं। इसी स्पीच में रमाबाई ने औरतों को मेडिकल एजुकेशन देने के लिए भी गुहार लगाई, क्योंकि सामाजिक हिचक से औरतें अपनी मर्ज एक मर्द डॉक्टर को नहीं बताएंगी, तो फीमेल डॉक्टर्स होना अनिवार्य था, जरूरी था। रमाबाई के इस स्पीच ने जहां कंजर्वेटिव मेन को नाखुश किया जिन्होंने अखबारों में रमाबाई के खिलाफ काफी कुछ लिखा, वहीं दूसरी तरफ W.W. हंटर जो हंटर कमीशन के चेयरमैन थे इतने खुश हुए कि उन्होंने भारत की महिलाओं को मेडिसिन की पढ़ाई देने के लिए द नेशनल एसोसिएशन फॉर सप्लाइंग फीमेल मेडिकल एड टू द वुमेन ऑफ इंडिया की स्थापना की। क्वाइट अ माउथफुल बट अ वेरी वेल इनिशिएटिव नॉनदलेस। रमाबाई को खुद भी मेडिसिन पढ़ने की इच्छा थी, जिसके लिए उन्हें इंग्लैंड जाने की अनुमति भी मिली। इंग्लैंड में वो सिस्टर्स ऑफ द कम्युनिटी ऑफ सेंट मेरी द वर्जिन के साथ रहती थी, जो कि इंग्लैंड में एक कॉन्वेंट था। अपनी पढ़ाई और रखरखाव के खर्चे के लिए वो यहाँ की सिस्टर्स को मराठी भाषा सिखाती थी। इस कॉन्वेंट की महाराष्ट्र की ब्रांच को मराठी स्पीकिंग सिस्टर्स की ज़रूरत थी इसीलिए। लेकिन जैसे जैसे उनकी पढ़ाई आगे बढ़ी, रमाबाई को ये रियलाइज हुआ कि उनकी विद एज सुनने की पावर खत्म होती जा रही है। उन्होंने फिर मेडिसिन छोड़कर चेल्टनहैम वुमेन्स कॉलेज में नेचुरल साइंसेस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का कोर्स किया एज अ स्टूडेंट टीचर, जहां वो संस्कृत पढ़ाती भी थी एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट अपनी क्लासेस भी लेती थी। यही उन्होंने क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म भी कबूल किया और उनकी बेटी मनोरमा ने भी। इस पर काफी विवाद हुए और यह भी कहा गया कि रमाबाई का कन्वर्जन फोर्स्ड था।
लेकिन रमाबाई अपनी राइटिंग में ये बताती हैं कि उन्होंने हिंदुइज्म इसलिए छोड़ा क्योंकि उसमें औरतों को मोक्ष यानी सैल्वेशन केवल पति के चरणों में ही मिल सकता है, जबकि उनके मुताबिक क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं है। 4 साल इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी करके रमाबाई अमेरिका गई अपनी दोस्त आनंदीबाई जोशी की ग्रेजुएशन अटेंड करने, जो भारत की पहली फीमेल डॉक्टर बनी। लेकिन इसके बाद रमाबाई 2 साल अमेरिका में ही रही और हाई कास्ट हिंदू विडोज के लिए एक आश्रम खोलने के लिए फंड्स के लिए कैंपेन करती रही। उनका कैंपेन सफल रहा और रमाबाई एसोसिएशन ऑफ बॉस्टन की स्थापना हुई, जिसने 10 साल तक फंड्स देने का प्लेज किया, जिससे कई किंडरगार्टन स्कूल्स और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स खुल सके। भारत आने के बाद शारदा सदन की स्थापना हुई, जो कि चौपाटी में था, और इस विधवाओं के आश्रम को अधिकांश मराठी रिफॉर्मर्स का सपोर्ट भी मिला। पर 1891 में फिर से तिलक द्वारा पब्लिश्ड अखबार केसरी ने लिखा कि क्योंकि रमाबाई अब क्रिश्चियन थी, शारदा सदन भी विधवा औरतों को क्रिश्चियन बनाने का काम कर रहा होगा। इस शक के कारण काफी सोशल रिफॉर्मर्स ने अपने हाथ खींच लिए शारदा सदन से। इस पर एक इंक्वायरी भी हुई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। 1896 में सेंट्रल प्रोविंसेस और गुजरात में एक टेरिबल फेमाइन आया, तो रमाबाई सबसे पहले थी हेल्प करने के लिए। क्रिश्चियनिटी में ब्रदरहुड और हेल्पिंग द नीडी को याद करते हुए उन्होंने एक और संस्थान खोला, मुक्ति सदन, जहां सैकड़ों फेमाइन विक्टिम्स को खाना खिलाया जाता था मुफ्त में और शेल्टर भी दिया जाता था। यह इंस्टीट्यूशन ओपनली क्रिश्चियन था, विधवा औरतों को मिजरेबल लाइफ और सती जैसे ट्रेजेडी से बचाने के लिए रमाबाई ने नॉर्थ इंडिया का एक्सटेंसिव टूर भी किया और काफी विडोज को रेस्क्यू किया। उनके अमेजिंग एफर्ट्स के लिए उन्हें 1919 में कैसरे हिंद का टाइटल भी मिला अंग्रेजी सरकार से, जो गांधी को भी मिला था, और 2 साल बाद ही रमाबाई की मौत हो गई। रमाबाई की शायद सबसे बड़ी देन 19th सेंचुरी विमेन्स मूवमेंट को एक जेन्युइनली फीमेल वॉइस देने की थी। उनसे पहले सोशल रिफॉर्म मूवमेंट औरतों के इशू पे बोलती तो थी, लेकिन बोलने वाले एक्सक्लूसिवली मेल होते थे। दूसरा, उनका सेल्फ रिलायंट वुमन का आइडिया काफी रेवोल्यूशनरी था, खासकर कि उस समाज में जहां औरतों को सिर्फ उनके फादर या उनके हस्बैंड की प्रॉपर्टी समझा जाता था। इसीलिए उन्होंने ना केवल अपनी राइटिंग्स में औरतों को पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने को कहा, बल्कि आर्य महिला समाज, शारदा सदन जैसे इंस्टीट्यूशंस भी स्थापित किए, जहां औरतें अपनी प्रताड़ना से दूर जाकर एक नई जिंदगी अपनी मर्जी से शुरू कर सकें, ताकि उन्हें अपनी सारी जिंदगी एक मेल सपोर्ट पे डिपेंडेंट होकर ना रहनी पड़े। औरतों को पॉलिटिक्स में आने के लिए भी एनकरेजमेंट रमाबाई ने ही दी। 1889 के कांग्रेस के दूसरे सेशन में रमाबाई और बाकी विमेन डेलीगेट्स को ज्वाइन करने के लिए बुलाया गया। हालांकि मेल मराठी रिफॉर्मर्स जैसे कि जस्टिस रानाडे इसके खिलाफ थे, लेकिन फिर भी रमाबाई ने 8 और फीमेल डेलीगेट्स के साथ कांग्रेस ज्वाइन की। रमाबाई की निजी जिंदगी भी एक बढ़िया उदाहरण थी, जहां उन्होंने अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल दूसरी औरतों को एनलाइटन करने के लिए किया, अपने डिसीजंस खुद से लिए, अपना मैरिटल पार्टनर खुद से चुना, इंटरकास्ट मैरिज का हिस्सा बनी, और विडो होने के बाद भी जिंदगी जीना नहीं छोड़ा, चाहे समाज ने उन्हें कितनी ही तोहमत दी हो। उन्होंने अपने औरत होने को अपनी वीकनेस नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ बनाया और हरदम अपने और बाकी औरतों के हक में लड़ी, उतनी ही ऊंची आवाज में जितनी की इस समय मर्दों की थी। तो ये था आज का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और याद रखिए कि आज की एपिसोड से जुड़ी हुई सारी सोर्सेज की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, अगर आप अपनी जिज्ञासावश पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए।